देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने कबूतर अगर लकवे में आता है, सबसे पहले उसको चेक करना है कि वो दाना खा रहा है या नहीं खा रहा। अगर वो दाना नहीं खा रहा, ज़्यादातर कबूतर तो दाना खाने लगते हैं 80%। कुछ का जो गर्दन हिलाने वाला होता है ना, ऊपर ही हिलाते रहते हैं गर्दन, वो नहीं खा पाते। ऐसे जो घुमाने वाले होते हैं वो 1 दिन में या 2 दिन बाद दाना खाने लगते हैं। और अगर फिर भी वो कबूतर दाना नहीं खा रहा है, आपको तो सबसे पहले आपको उसको दाना खिलाना है ताकि उसका पेट बढ़ा रखे। उसके बाद आपको उसे दवा देनी है। तो सबसे पहले आपको फिर ये रात को चने भिगो देने, मैंने भिगो दिए थे ये काले चने जो आते हैं, ये वाले भिगो देने। ये 15 से 20 चने आपको सुबह में और 15 से 20 चने शाम को। फिर उसके 10 मिनट बाद आपको इन्हें एंटीबायोटिक दवा देनी है, मैं बताऊँगा। इस तरह से आपको इन्हें खिला देना। ये बच्चा तो ठीक है, दाना भी ठीक खा रहा है और थोड़ा ऊपर भी बैठता है। इसमें ज़्यादा चने नहीं खिलाऊंगा इसको मैं, जो ना खा रहा हो उसको आपको 15 से 20 खिलाने हैं। फिर इसको मैं छोड़ देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, ये डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल है, इसका 1/10 पोर्शन, मतलब इसका 10वां हिस्सा करीब, या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए इस तरीके से आपको उसमें भरकर। सिरिंज में डाल लेना है। उसके बाद इस सिरिंज में आपको इसमें आपको डॉक्सीसाइक्लिन को भरकर, अब इसमें 3 ml पानी आपको मिला लेना है। इसमें पूरा 3 ml तक भर रहे हैं। 3 ml भरने के बाद आपको इसको अच्छे से मिला लें, जिससे दवा वो है पानी में मिक्स हो जाए। फिर आपको ये सुबह शाम 5 दिन तक पिलाना है, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे देना है इसको। अभी मैं कबूतर पकड़ कर लाता हूँ, 1 मिनट वेट करिए। ये इसको आपको अब ये 3 ml में मिलाकर, 10th वाला पोर्शन आपको ऐसे ही सुबह में देना है और ऐसे ही शाम को करना है, ठीक है? तो ऐसे आप 5 दिन करना है आपको। अब इसको तो इन्फेक्शन नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको पिला दिया है। तो आपको जो कबूतर है आपका, उसको चेक कर लेना है कि उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो उसकी बीट जो है वो ठीक करने लगेगा। पानी वाली बीट नहीं करेगा वो सादा नॉर्मल बीट करने लगेगा आपको। इसके बाद फिर इसने ये नेरोबियन 4 टैबलेट है, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये नेरोबियन 4 का 1/4 हिस्सा, मैंने तो ये पूरी एक गोली मिला ली है उसमें, क्योंकि मेरे पास 4 कबूतर हैं, 4 को पिलानी है। तो इसका 1/4 हिस्सा मैंने 3 ml पानी में घोल लिया था, जो इसको मैं ये पिला रहा हूँ। तो ये आपको सिर्फ सुबह में देना है, और वो डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो सुबह शाम देनी है 5 दिन तक, बस ये सुबह शाम देना। उसके बाद आपको ईवियन जो है, ये 200 वाला एक कैप्सूल, 1 दिन देना है और 1 दिन गैप रखना है। ऐसे ही आपको ये 10 दिन तक खिलाने देना है, 1 दिन छोड़ना है, 1 दिन गैप देना है, 1 दिन खिलाकर 1 दिन गैप। तो इसी तरह से आप उसको खिलाएंगे। डायरेक्ट इसको तो डायरेक्ट मुंह में डाल सकते हैं, जेल कैप्सूल होता है, अंदर जाकर फूट जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट इसी तरह मुंह में डाल दीजिए उसके, डायरेक्ट इस तरह आपको डाल देना है मुंह में, ये आसानी से खा जाएगा इसको। और देखिए, मैं इसको छोड़ता हूँ, अब ये
काफ़ी हद तक मैं इसे काफ़ी दिन से खिला रहा हूँ, एक हफ्ते से इसको ये दवा खिला रहा हूँ, तो अभी देखिए कितना ठीक हो गया है। ये मेरे पास जो दूसरे दो कबूतर हैं ये 15-15 दिन पुराने, और ये इनको एक किसी को 1 साल, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने हो सकते हैं, ये उड़ने लायक हो चुके हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर बैठाकर, और जो ये नीचे आपको दो आगे वाले कबूतर दिख रहे हैं, ये इनको मैंने बिल्कुल पर कैच कर दिया था, इनको गोल कर दिया था, क्योंकि ये जब मैं इनको लाया था काफ़ी कमज़ोर थे, तो अगर इनके मैं पर छोड़ता तो हो सकता है कभी दाना उठने लगते तो कहीं जाकर गिर जाते। ये बच्चा थोड़ा ठीक है इसकी जान, तो इसलिए मैं इसके पर नहीं काटे, उनके काट दिए हैं, वो अब काफ़ी तंदुरुस्त हो गए हैं ये दोनों। देखिए ये अब पर वर मारने लगे, इनके पर आ रहे हैं 6ठी 7वीं कली तक आइए, जब इनके पूरे पर जाएंगे तो ये भी ऊपर जाकर बैठने लगेंगे, फिर इनको मैं ब्रीडिंग में लगाऊंगा। इनका ब्रीडिंग लगाने का तरीका ये होता है कि इनका अगर ये फीमेल हो तो मेल नॉर्मल कबूतर होना चाहिए, उसमें बीमारी ना हो, कीड़ ना हो, और जो अगर फीमेल हो तो उसका उल्टा कबूतर सही होना चाहिए। दोनों एक से लगा दोगे तो आप वो पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, आपको एक ठीक रखना है और दूसरा पेयरिंग करेंगे जब ये अंडे बच्चे करने लगेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो मेरे पास जो कबूतर जोड़ा है वो चारों वो बिल्कुल ठीक ब्रीडिंग कर रहे हैं और बिल्कुल सही रहते हैं। अब देखिए ये अपने आप दाना भी खाने लगे हैं और सब कुछ ब्रीडिंग सब करते हैं। ये वाले ब्रीडिंग नहीं करता है आगे, जो ये जिसकी पूंछ नहीं है, ये पीली कबूतरी बिल्कुल ऐसी थी जब मैं लाया था इसको, तो गर्दन बिल्कुल रगड़ती थी ये, अब आपके सामने है देख लीजिए बिल्कुल ठीक है, हल्की सी गर्दन अब भी टेढ़ी रखती है, ऊपर बैठ जाती है नीचे आ जाती है, तो अब ये बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी वो वाला बच्चा है जिससे मैंने दवा खिलाई थी, ऊपर नीचे भी बैठने लगा है, अब कुछ दिन इसको और रखा जाएगा तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उड़कर भी आए शायद। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो खुदा हाफिज़। ये देखिए इस कबूतर को लकवा था, ये उड़ने लगा, हल्की सी थोड़ी सी बहुत सी लहक आती है, और इसको था, और ये पीली कबूतरी है इसको भी था, इन तीन को था, ये अलग कबूतर है इसको नहीं था, ये तो ऊपर भी जाकर बैठने लगी है और 8-10 घेरे लेती है, ये उड़ने लगा है, ये नहीं उड़ पाती है, ऊपर नीचे बैठ पाती है सिर्फ, अभी ये अभी का है, ये अभी से एक हफ्ते पहले तक हाथ से चुगाना पड़ता था, अब खुद चुगने लगा है। इसको भी कुछ दिन पहले तक हाथ से चुगाना पड़ता था, ये खुद चुगने लगा है, अभी भी पर आ रहे हैं इसके। और एक ये बच्चा है, इसे भी 1-1.5 हफ्ता हुआ है लाए हुए मेरे पास, तो अब ये ऊपर भी बैठने लगा है, लेकिन अभी घूमता है थोड़ा बहुत, देखिए कुछ दिन में ये भी सही हो जाएगा। बाकी सारे ये सब चुगने लगे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको चुगा रहे हैं। ये सारे अब खुद से दाना खाने लगे हैं।